करेला को अच्छी तरह से धो लेंगे, और धोने के बाद में उसके ऊपर के सारे छिलके निकाल देंगे हल्के हल्के करके। अब करेले को बीच से काट लेंगे, इस तरह से काटेंगे, देख लीजिए कैसे बीच से काटेंगे। इसके अंदर के सारे छिलके सारे बीजे निकाल देंगे, और ये छिलके भी काम आएंगे। तो ये जितने भी बीजे हैं सबको बाहर निकाल देना है, सिर्फ छिलका ही रहने देना है, क्योंकि छिलका को हम लोग ग्राइंड करेंगे, मसाला के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी बीजे हैं सब बीजे निकाल देंगे। अब ग्राइंड करेंगे, मसाला तैयार करेंगे करेले भरने के लिए। तो उसके लिए प्याज लेंगे, 2 बड़ी प्याज, और मिर्ची लेंगे स्वाद अनुसार, और जो करेले से निकाले थे बाहर छिलका वो छिलका लेंगे। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं आगे से पीस के रखी हूँ, आप इसमें ऐड कीजिएगा अदरक लहसुन। और ये है करेला का ऊपर का स्किन, थोड़ी सी लूँगी, इसे थोड़ी सी ऐड करना है, और सारे मसाले को। अब इमली लेंगे, थोड़ी इमली लेना है, इमली उसमें खटास डालना ज़रूरी है, तो इमली को भी फुला के रखेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में पानी डालेंगे और उसमें नमक डालेंगे, और जितनी मैंने छिलके रखी थी करेले, सब करेले को इसमें ऐड करेंगे। करेले को थोड़ा बॉईल करना है, और इसकी जितनी सारी कस्से पानी है सबको फेंक देना है। करेले को थोड़े 10 मिनट के लिए पकाना है इसमें नमक के पानी में। सरसों तेल से बनाना है करेला भर के। तो पहले तेल गरम करेंगे, सरसों तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें सारे करेले डाल के फ्राई करना है, करेला को लाल फ्राई करना है पूरे अच्छी तरह से। अगर करेला जब फ्राई की थी उसी तेल में फिर बारीक काट के एक प्याज ऐड करूँगी। एक प्याज में 2 पीसी थी और एक प्याज मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बारीक काट के, और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करना है, 2 मिनट के लिए भून लेना है इसको। प्याज भुना गए हैं, अब इसमें जो पीसी थी मैं करेला के छिलके और प्याज लहसुन अदरक लहसुन प्याज मिर्चा सारी जो मैं पीस की पेस्ट बनाई थी इसमें ऐड कर ली हूँ, और इसे भी भुनना है, मसाला सब अच्छी तरह से भुनना है। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करेंगे, धनिया 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और जीरा 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और इस मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर मसाले में आपके अगर तेल कम है तो आप तेल थोड़ा सा डाल सकते हैं, और पानी भी थोड़ा सा हल्का सा पानी डालिएगा ताकि मसाला आपका जले ना, और इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। अब इसमें इमली के रस डालेंगे जितनी आपको खट्टी चाहिए। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक समक डाल देते। मसाला बन के रेडी है। अब इस मसाला को करेला में भर के भरूंगी, देखिए कैसे भर रही हूँ। करेला को खोल के इसके अंदर में मसाले के थोड़े थोड़े भरूंगी और इसके मुंह को बंद कर दूंगी। सारे करेले को आपको ऐसे ही भर के रेडी करके रखना है। दूसरी में बता लूँ, देखिए इसको खोलिए, थोड़ा सा जो मैं काटी थी बीच से उसके अंदर थोड़ी सी मसाला भरिए और इसके मुंह को बंद कर दीजिए। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, इस मसाले की खुशबू, इंडियन खुशबू, इंडियन मसाले की क्या बात है। सारे मसाले करेले में भर के रेडी हो गई है, और मसाले को थोड़ी सी बचा के रखनी है, सारे मसाले यूज़ नहीं करनी है, थोड़ी सी मसाले जैसे मैं बचा के रखी हूँ उसे बचा के रखना है। अब कढ़ाई में मसाले जो बची है उसे डालेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों करेला भर के, आप इस तरह ट्राई कीजिए जैसे मैं बनाई हूँ, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और कमेंट देना ना भूलें, कमेंट्स देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए पानी डाल दी हूँ, और इस घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पानी में इस मसाला को। अब इसमें करेले को
ऐड करूँगी। सारे करेले को इस मसाले में ऐड कर लूँगी और 5-10 मिनट के लिए इसे पका लूँगी। 10 मिनट हो चुकी है, करेला बनके तैयार है। अब इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ परोसेंगे। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस करेले को बनाएं, यम्मी टेस्टी और तीखी कड़वे करेले।